जल्दी जल्दी मेरे से तीन बच्चा करा लिए, बताइए तीन साल जल्दी जल्दी तीन से बच्चा उठा लिए। अच्छा आप धंधा करती है कि नहीं? नौ महीना के पत्नी जब प्रेग्नेंट हो जाएगी तो पति अलग अलग मुंह मारने लगेगा। ये कहां के ससुर का बहुत गंदा नेचर है, बहुत गलत नेचर से जरूर देखते हैं, वो मजा लेते हैं कहीं ना कहीं एंजॉय करते हैं। आप नहाती है वो गलत नियत से गुस्से में देखते हैं मजा लेते हैं। बच्चे पैदा कर लिए, मिस यूज कर लिए, उनको आदत है मिस यूज करके। पापा का कहीं वहाँ पे कुछ लोग संगतियाँ हैं जहाँ पे जाते थे मुंह मारने। दोस्तों अभी हमारे साथ एक महिला है जो एकदम देख सकते हैं कि निराशा होकर बैठी हुई है, क्योंकि इनका तीन गो बच्चा है और पति जो है दूसरे के साथ फरार है। मतलब कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी मजबूर हो जाएंगे कि वो एक कैसा पति है कि पत्नी की हवस भी पूरा करता है और अपनी हवस पूरा करने के लिए हर छः महीना पे पत्नी बदल देता है। आइए इनसे बात करते हैं कि पूरी मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संध्या मिश्रा। संध्या मिश्रा, मिश्रा जी एक बात बताइए, आपके साथ आपके पति क्या किए हैं? पहले तो मेरे पति के पहले शादी हुई थी 13 साल बाद, वो लोग उसको बच्चा नहीं होने दिया क्योंकि वो थोड़ा हाइट में छोटी है, सांवली है, तो उनको रेनू मेरी ननद जो है उनको केरा के पानी और रंग मिला के पिला दी ताकि उसको बच्चा ना हो। अच्छा। आज भीटू में वो पहली पत्नी उनकी काम करती है, वहाँ पे जाकर जब हम मिले तो वो रो रही थी, मेरे गले लग गया, सारा कहानी बताई कि संध्या हमको भी वो लोग 13 साल बाद छोड़ दिए, धोखा मेरे साथ हुआ, मुझे बच्चा नहीं होने दी मेरी ननद रेनू, उसको 13 साल बाद उसको छोड़ के मेरे से शादी किए मेरे हस्बैंड बच्चा के लिए, तीन बच्चा हो गया, फिर मुझे धोखा दे करके बाहर में जाके शादी कर लिए हैं, तीसरी शादी किए हैं वो। अच्छा मतलब कि आपकी पहला पति जो एक पहला शादी किए वो सिर्फ मजा लिए पत्नी को छोड़ दिए बच्चा नहीं, हाँ, उन लोग का कहना दूसरा पत्नी किए कि बच्चा पैदा करें, जी जी, फिर बच्चा पैदा करके आपको छोड़ दिए, फिर तीसरा पत्नी से किया फिर मजा लेंगे फिर छोड़ देंगे, तो अब वो ही नहीं जानते। अब तीसरा पत्नी बोल रहे हैं कि अब हम पैसों के लिए शादी किए। अच्छा पैसा के लिए शादी किए? वो कमाती है, उसका 18 साल का बेटा है, अपना बेटा है, अपना पति को छोड़ के वो मुस्लिम औरत है, मेरे हस्बैंड को फंसाई है, ये फंसाई है, वो फंसाई है कि ये फंसाया है ये नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हम पैसा के लिए शादी किए। पैसा के लिए शादी किए, तो इनका अगर पैसे का भूख मिटेगा फिर उसको छोड़ देंगे? हाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अच्छा सोचने वाली एक बात ये है, जो आपकी ननद है जी वो फिर वो अपने भौजाई को केरा के पानी में रंग मिलाकर क्यों पिलाई, आखिर दुश्मनी क्या थी उससे? दुश्मनी ये थी वो लोग शुरू से उसको पसंद नहीं करते थे। अच्छा। क्योंकि वो काफी समझदार थी, पढ़ी लिखी भी थी और कलर थोड़ा सांवली थी, थोड़ी हाइट में छोटी थी लेकिन सुंदर है। अच्छा। तो सांवलापन के चलते उसको ये लोग केरा का पानी रंग मिला के पियाया कि उसको बच्चा ना हो। अगर आपको भी पिया देती तो फिर? तो मेरे से बच्चा चाहिए था ना, 13 साल बूढ़ा हो जाएंगे तो बच्चा नहीं ना होगा। अच्छा, इसलिए ये लोग जल्दी जल्दी मेरे से तीन बच्चा करा लिए, बताइए तीन अच्छा, साल जल्दी जल्दी तीन से बच्चा उठा लिए। 2011 में मेरी शादी हुई, 16 तक तीन बच्चा हो गया मेरा। अच्छा 11 में शादी किया, फटाफट तीन बच्चा, 16 में जाके बाहर बिना बताए हमको अंधेरा में रख दिया ससुराल में कि तू बच्चा माता पिता का सेवा करो, आ चुपचाप बाहर गए कमाने के लिए, कमाने जाके दूसरी शादी फिर तीसरी शादी कर लिए जी। ये तीसरी शादी करने का रीजन क्या है? शादी पे शादी कर रहे बिना डाइवोर्स दिए, कहीं से भी मिश्रा जी सही नहीं है, आज झूठ मूठ के ये सही अगर बता रहे हैं तो गलत है, समाज में अपने आप को अपना गलती छिपाने के लिए मुझे गलत साबित कर रहे हैं। एक कहीं से सही नहीं, एक मीडिया वाले जो भैया है इंटरव्यू लिए हैं फोन पे, वो बहुत गलत कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम इंटरव्यू लिए हैं कि काफी आपका वीडियो वायरल हो रहा है, तो जब वीडियो जब वायरल हो रहा है तो वो तो ये चीज देखेंगे कि बिना बताए पत्नी को दूसरी शादी जाकर बाहर में किए हैं, मीडिया वाले भैया को तो ये पता चला होगा ना। आपके पति बोल रहे हैं ना कि मेरी पत्नी गलत है, आप गलत है, आप धंधा करती है, मैं मुझे ऐसा बोल रहे हैं तो प्रूफ दिखाएं। आप अच्छा आप धंधा करती है कि नहीं करती है? ये गलत सरासर मेरे पे आरोप लगाया जा रहा है, पति लगा रहा है जी, मेरे घर से ससुराल से मार पीट के वो लोग भगा दिए हैं, जो तीसरी औरत जो बाहर वाली है उसका कहना है कि अपनी पत्नी को आप तलाक दीजिए तब हम आपको पैसा कमा के देंगे, तभी लोग मार पीट के घर से निकाल दिया है और मेरे हस्बैंड तलाक केस भी किए हैं। तो आपके ससुर आपके साथ नहीं रहते हैं? मेरे सास ससुर ननद और नंदोई अगर अच्छा होते तो कहीं ना कहीं आज हम पुरैनिया गांव में तीन बच्चों के साथ ससुराल में होते। अच्छा। वो लोग मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किए, वो लोग सब मिले हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, मुझे कैसे भी करके घर से निकालना है, वो लोग को छोड़ना है। आपके ससुर आपको क्या बोलते हैं? मेरे ससुर का बहुत गंदा नेचर है, बहुत गलत नियत के, अगर ये बात मैं झूठ बोल रही हूँ तो यहाँ पे हम गलती अपना छिपा सकते हैं, ऊपर वाला देख रहे हैं सब। फिर कैसे बोल सकते हैं आप अपने ससुर को गलत? वो बहुत ससुर तो पिता समान है ना, फिर अपने बाप को गलत बोल रहे हैं? अगर वो पिता समान होते तो आज हम ससुराल में बहू बन के होती ना। अच्छा वो डेली मुझे टॉर्चर करते, मारपीट करते, मेरा कपड़ा फाड़ दिए थे वो।
आपका कपड़ा मेरा समीज फाड़ दिए थे। मैं सरपंच जी को बुला के दिखाई थी, हर एक छोटी बड़ी चीज हम उनको बुला के दिखाते थे सरपंच जी को। उस टाइम सरपंच थे चुन्नू मिश्रा जी। आज जाके वो लोग से आप पूछिए कि बात सही है कि गलत है, ऊपर वाला देख रहे हैं सब जी। बिल्कुल ऐसा नहीं ना कि ससुर का ही गंदा नियत है आप पर। अब मेरे साथ गलत कुछ नहीं किए हैं ये। अच्छा, नहीं आपके साथ कुछ किए नहीं है गलत? नहीं गलत नहीं किए, लेकिन उनका आदत और नेचर पूरा बिल्कुल गलत है। बच्चे का दूध पिला रही होती है रूम में, चुपचाप घुस जाते हैं। नहा रही होती है तो चुपचाप, मतलब खुले में कल है, बाथरूम बना नहीं है तो खुले में कल है तो दरवाजा बंद करके मैं नहा रही थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, खोल देते हैं तो इनको दरवाजा मतलब सटाया हुआ रहता है, तो इनको बोल के आना चाहिए। फिर ये तो उनका गलत नियत है कि आपको देखने का मकसद से घुसते हैं, चुपचाप घुसते हैं। उनका उम्र तो नहीं है, कुछ गलत करेंगे लेकिन वो गलत नेचर से जरूर देखते हैं, वो मजा लेते हैं कहीं ना कहीं एंजॉय। अच्छा, करते हैं। आप नहाती हैं, वो गलत नियत से घुसते हैं, देखते हैं, मजा लेते हैं। जब उनका बेटा जब बाहर से आता है ना तो वो नहीं चाहते हैं कि बेटा बहू के रूम में रहे। अच्छा। 5 मिनट तक अगर मेरे पति मेरे रूम में रहते तो गाली देने लगते कि मेहरारू को लग रहा नहीं रहता, मेहरारू बिगड़ जाए, मेहरारू के ढेर ना माने के, मेहरारू के ढेर ना प्यार करे के, ये लोग के मतलब की कैसे भी करके हमरा के अलग करे करे छोड़े करे दूसरी पत्नी से, सब लोग मिल रहे तीसरी पत्नी से। अच्छा, आपके ससुर बोल रहे थे कि मेहरारू से ज्यादा प्यार ना करे के। हाँ, मेहरारू मुड़ी पर चढ़ जाए, ससुर भले पोतो नहाई तो घुस जाए। हाँ, घुस जाए। अच्छा। कहाँ के नियम है आप देख सकते हैं, ससुर का इतना गलत नियत है कि जब इनकी बहू जो है नहाती है तो घर में घुसकर देखते हैं, मजा लेते हैं और फिर बेटा को गाली देते हैं कि आप अपने पत्नी के पास मत रहो जी। अच्छा। और मेरे ससुर जी का रिकॉर्डिंग है मोबाइल में, हम आपको सुना देंगे। मेरे ससुर जी का कहना, जब मार के घर से मुझे निकाल दिए, भगा दिए, तब कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम तुमको बेसवा बना के छोड़ देंगे। अच्छा, ससुर बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग है मोबाइल नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग सुना। अच्छा, आपके आपकी सास नहीं है का? सास है, सास तो फिर नहीं समझाती हो अपने पति को? सास के जो है ना बिल्कुल चलता नहीं है उस घर में। अच्छा, उस घर में चार लोग का ज्यादा चलता है, ननद, नंदोई, रेणु पांडे, मंटू पांडे, ननद नंदोई। अच्छा, रेणु देवी कौन है? वो रेणु पांडे मेरी ननद है, छोटी ननद। अच्छा, वो कैसी ननद है, उसका चाल कैसा है? भगवान करे कि उसकी बेटी का जब शादी हो तो मेरे पति जैसा उसको दामाद मिले, ताकि उसको समझ में आए कि एक औरत का दुख और दर्द क्या होता है, उसके बेटी के साथ भी मेरे जैसा हो। अच्छा, मैं यही भगवान से रात दिन प्रार्थना करूंगी, हे भगवान उसकी बेटी की भी शादी हो तो मेरे पति जैसा दामाद मिले। अच्छा, आपकी ननद आपके चरित्र के बारे में भी कुछ कहती है? नहीं, वो कुछ नहीं कहती है, बस वो खाली टॉर्चर करवाती है मेरे पति से, खाली पिटवाती है। हाँ। जी, अगर उसका भी पति उसको पीटे फिर क्या होगा? उसका पति बहुत ज्यादा मानता है, बहुत प्यार करता है, तो मेरी सास खुश होती है। मेरे पति जब मुझे मानते हैं, प्यार करते हैं, तो मेरी सास बहुत दुखी हो जाती है। बेटी भले बाजारे बाजारे घूमेगी, बेटा दामाद के साथ है, खूब ऐश करेगी, घूमेगी, एक चप्पल किनना होता है ना तो दामाद के लेके जाएगी बाजार में चप्पल किनने। अब मैं अपने पति सास दामाद को लेके जाएगी? हाँ हाँ। अच्छा, पति को लेके नहीं जाएगी? अब बहू जो है अपना पति के साथ कहीं नहीं जा सकती, पाबंदी लगा। ससुर के साथ जाएगी? वो नहीं, ससुर के साथ नहीं, वो कहीं जाने के लिए ऐसा नहीं बोलते ससुर मुझे। जब मेरा तबियत, हाँ ये बात तो कहीं ना कहीं आप बोल दिए सही, मेरा दिमाग खोल दिए।